अब पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट क्लास में क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए थे, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, एक यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से होती है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर होता है। ए क्रॉस बी नल वेक्टर हो तो ए और बी पैरेलल होंगे, अगर ए और बी नल वेक्टर नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों जीरो हो तो क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों वैल्यू जीरो है तो कम से कम एक वेक्टर जीरो होगा। कितने पॉइंट लिख लिए थे, ये भी लिख लिया था कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर सेम हो तो, या इसी को आप ए क्रॉस ए भी लिखते हो क्योंकि ए और ए इनके बीच का एंगल कितना आ गया, जीरो डिग्री। एक आई क्रॉस जे लिखोगे तो क्या आएगा, के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, एक सर्कल पे साइक्लिक ऑर्डर सेम रखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, तो इस तरह से मिल जाएगा आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे कैप। ऑर्डर चेंज करेंगे, जे क्रॉस आई लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस के, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। अब अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर ए इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, पहला वेक्टर ए ये है एंड दूसरा वेक्टर बी है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, दो वेक्टर्स दिए हुए हों आई जे के टर्म में और आपसे ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी जाए तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। डिटरमिनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रो में क्या लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट रो ठीक है वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट, फिर सेकेंड में सेकेंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट लिख दीजिए। ये होता है ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट रो लिखा फिर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ऑर्डर यही रखना है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है डिटरमिनेंट में, तो इसलिए पहले आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट, फिर सेकेंड थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर कोएफिशिएंट, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये था अंडर फोर, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ आर टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर वेक्टर ए एंड बी, देन इट्स एरिया विल बी, अगर दो साइड्स मालूम हो तो उस ट्राइंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये साइड है ए बी सी, मान लीजिए ये दो साइड दी हैं, ये वेक्टर ए लिखा है ये वेक्टर बी दिया है, एक ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो, दो साइड्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उससे उसका एरिया लिख सकते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, यहाँ वेक्टर ए ए बी ले लिया और ए सी को ले लिया वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल लेट अस अज्यूम थीटा है, तो वैसे क्या होता था एरिया ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा बाई टू, तो वही चीज ए क्रॉस बी जब हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ए मीन्स ए बी, मैग्नीट्यूड बी मीन्स ए सी इंटू साइन थीटा, यही दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा आएगा अपॉन टू, ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करना है, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी टू साइड देखिए उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ऑर्डर बी क्रॉस ए लिखें ए क्रॉस बी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैग्नीट्यूड के केस में। यही अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
एडजेसेंट साइड्स। अब पैरेललोग्राम, अगर दो एडजेसेंट साइड्स एक पैरेललोग्राम की आर ए एंड बी, देन इट्स एरिया विल बी, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर एडजेसेंट साइड्स पता है एक पैरेललोग्राम की, एक वेक्टर ए है और उसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, वेक्टर बी, ये वेक्टर ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इसका एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, देख ले पहले डायग्राम, दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स दी हैं, तो एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो। जैसे मैंने यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, ए बी साइड ए ले ली, बी सी ए डी बी ले ली, ये दो साइड्स आ गई। अब देखें ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसको आप दो ट्राइंगल में भी डिवाइड कर सकते हो, बी डी को ज्वाइन कर दो तो दो ट्राइंगल होंगे। अब इन दो ट्राइंगल का एरिया, पहले ट्राइंगल का भी हाफ ए क्रॉस बी होगा और दूसरे का भी हाफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि साइड्स तो वही आएंगी, इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो दोनों को ऐड किए तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है पैरेललोग्राम का एरिया। नेक्स्ट वन, अगर ये आपसे कहा जाए कि डायगोनल्स दी हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक टू डायगोनल्स आपका क्वाड्रिलेटरल, दो ही होती हैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स आपका क्वाड्रिलेटरल आर गिवन, टू डायगोनल्स आपका क्वाड्रिलेटरल आर वेक्टर्स d1 एंड d2, देन इट्स एरिया विल बी। अगर डायगोनल पता हो आपको तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एरिया क्या होगा, हाफ बी वन क्रॉस डी टू, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस डी टू, एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर एवरी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, और एनी क्वाड्रिलेटरल हो, डायगोनल्स दी है तो आप क्या करो, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन टू, ये करना होगा। इसके लिए देखिए, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हैं डी वन और डी टू, और इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमें। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना लिया, अब ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, इसमें एक डी वन वैक्टर है एक डी टू, तो हो जाएगा हाफ डी वन क्रॉस डी टू। वैसे अगर आप देखें तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए सी एंड बी डी, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला है, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया पॉइंट नंबर सिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन, एक दो और पॉइंट है फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। इफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए, इसका ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब पोजिशन वेक्टर ए है। इफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए पॉइंट के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए लिखा, तो उसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी का पोजिशन वेक्टर है बी एंड सी, देन एरिया विल बी। साइड्स दी हो तो क्या करना है, कोई भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो, लेकिन अभी क्या कहा गया, पोजिशन वेक्टर वर्टाइसेस के आपको दिए गए, तो उसका एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो क्या होगा इसका एरिया, एक ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस के पोजिशन वेक्टर पता हो, ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है आपको,
के पोजिशन वेक्टर दिया है वर्टेक्स ए का पोजिशन वेक्टर ए है, बी का पोजिशन वेक्टर बी है, सी का पोजिशन वेक्टर सी है, तो उस केस में ये एरिया फॉर्मूला है हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। साइड्स दी हो तो पहले कैलकुलेट कर सके, और उसी साइड्स की हेल्प से ही इसका प्रूफ आता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो, यहाँ आप कोई भी दो साइड वेक्टर बना लीजिए, एक बी ए बना लीजिए वेक्टर ए माइनस बी, और एक बी सी बना लीजिए वेक्टर सी माइनस बी। कोई भी दो वेक्टर बना ले, दो साइड्स ले ले, एक ले लिया बी ए और एक ले लिया हमें बी सी। अब एरिया क्या हुआ, एरिया होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मीन बी ए क्रॉस बी सी। यहां लिख लेंगे हाफ बी ए क्या हुआ ए माइनस बी, बी सी क्या होगा सी माइनस बी। एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड ले, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो बी ए के लिए लिख लिया ए माइनस बी, बी सी के लिए लिख लिया सी माइनस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ, ए का पहले क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, सी के साथ, ऑर्डर वही रखेंगे ए पहले सी बाद में, ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, तो देखिए क्या आएगा ए क्रॉस सी, ऐसा बनेगा। फिर ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट मैं बी के साथ लेता हूं, वहां साइन निगेटिव, तो माइनस ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस प्रोडक्ट एक बार सी के साथ, फिर एक बार बी के साथ लिया, फिर अब बी का क्रॉस प्रोडक्ट का साइन टाइम आया, तो बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले सी के साथ, तो माइनस बी क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी, ये वैल्यू आएगी, एक करके सभी ले ले, ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी जो है वो क्या है, जीरो, दो वेक्टर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, तो बी क्रॉस बी की जगह तो जीरो लिख दीजिए। ए क्रॉस सी को आप माइनस टाइम्स सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स सी क्रॉस ए, वो लिख दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन का मॉडुलस तो प्लस वन ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अब ब्रैकेट में वन बाय टू टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसका मैग्नीट्यूड वन बाय टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही तो आंसर था। ए प्रूव करना था हमें वन बाय टू टाइम्स ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, नोट कर लीजिए इसे, कोई प्रॉब्लम है बताइए। सेवेंथ पॉइंट एट, एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू नंबर एट, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, आप वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर से एक प्लेन बनता है, दो वेक्टर हैं तो ऐसे प्लेन बन जाएगा, उनके परपेंडिकुलर अगर आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर कौन सा होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, और ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, हो गया सर। और यहां पर आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी, अब ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर इधर भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, इस तरफ भी यूनिट वेक्टर आ सकता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी विल बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा का चाहिए तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है बाद में कैलकुलेट करना है तो लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करेंगे अब इस पर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर वन, इफ टू आई कैप
प्लस सिक्स जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये क्वेश्चन, इफ टू आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ऐसा दिया हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बनाएंगे इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी गई। बनाए जल्दी से और आंसर बताएं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। देयरफॉर टू आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस 27 के कैप नल वेक्टर तो है नहीं, इस पैरेलल टू I cap plus lambda j cap plus mu k cap। और दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होता है, I cap के कोएफिशिएंट का रेशियो 2 upon 1 will be equal to 6 upon lambda is equal to 27 upon mu हो गया था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व कीजिए उससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 2। ये आंसर है, बताइए कोई डाउट है तो। लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी और म्यू 27 अपॉन 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट करके फर्स्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through find equation of line which passes through the point with position vector a। And perpendicular two lines R is equal to B plus lambda times P and R is equal to C plus mu times Q। तो ये lines दो दी हुई हैं, इन दोनों lines के perpendicular वो line होनी चाहिए और किस पॉइंट से पास होनी चाहिए, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए, तो वो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें जो कि पॉइंट ए से पास हो रही है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। बनाइए जल्दी से, अब बताएं क्या आंसर आएगा। सर ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसका क्या मतलब, बी प्लस लैम्डा बी ये जो दिया है इसका मतलब है ये एक लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास होती है, बी पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है और ये वेक्टर पी के पैरेलल है। ये फर्स्ट लाइन है ये बी से पास होती है और पी के पैरेलल, ऐसे ही सेकेंड लाइन जो है
वो सी से पास होती है और क्यू के पैरेलल है, सी प्लस म्यू क्यू का मतलब। फर्स्ट लाइन बी से पास हो रही है पी के पैरेलल और सेकेंड लाइन सी से पास हो रही है क्यू के पैरेलल। एक लाइन चाहिए हमें जो दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर हुआ तो ये वेक्टर पी इसी पे शिफ्ट कर सकते हो क्यू इसी पे, तो जो लाइन इन दोनों पर लाइंस पर परपेंडिकुलर होगी थ्री डायमेंशनल स्पेस में आएगा सा, तो जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी वो पी और क्यू पे भी परपेंडिकुलर होगी। पी और क्यू पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू जो वेक्टर है जो पी और क्यू दोनों पे परपेंडिकुलर है तो वो इस लाइन के पैरेलल होगा जो रिक्वायर्ड लाइन है, और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट ए से। तो लाइन की क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट जिससे लाइन पास होती है और प्लस एक वेक्टर जिसके पैरेलल होती है। तो हम लाइन की क्वेश्चन लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वो वेक्टर या फिर म्यू टाइम्स आर टी टाइम्स लैम्डा म्यू ऑलरेडी यूज हो गए हैं तो टी या के ऐसे कुछ यूज कर लें, तो के टाइम्स पी क्रॉस क्यू वेयर के इज सम रियल नंबर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए प्लस के टाइम्स पी क्रॉस क्यू वेयर के इज रियल नंबर। ज्यादा कुछ लिखने को है नहीं, जो बताया वही आप लिख सकते हैं। Since P cross Q is perpendicular to both the vectors, therefore P cross Q is perpendicular to both the lines, given lines. Therefore P cross Q is parallel to required line. तो P cross Q required line के parallel है और इस point से pass हो रहा है। इस point से line pass हो रही है, तो line की question लिख लेंगे। Note कर लीजिए, question number 3 पे लिखते हैं। For any vector A. Prove that एक वेक्टर है ए, उसके लिए हमें कहा गया प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के कैप स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। For any vector A, prove that A cross magnitude of A cross I cap ka whole square plus magnitude of A cross J cap ka whole square plus magnitude of A cross K cap ka whole square barabar kya hai? 2 times magnitude A square, ye prove karna. Question number 3. For any vector A, prove that क्या होगा फर्स्ट वेक्टर के लिए, या फिर यूं कर लीजिए वेक्टर A क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे भी चल सकते हैं। A है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देयरफॉर A क्रॉस आई कैप क्या हुआ, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस आई क्या हो गया माइनस के कैप और के क्रॉस आई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर अगर करते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ए क्रॉस जे आएगा, जे करेंगे तो जे वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर क्या बनेगा बताइए, ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर क्या होगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब तीनों को ऐड करेंगे इन तीनों को तो मिल जाएगा एक क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस एक क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस एक क्रॉस के कैप स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो क्या करना है ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। ए क्रॉस जे कैप में जे वाई जे क्रॉस जे जीरो होगा तो वाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर क्या होगा एक्स और जेड में आएगा तो उसी तरह से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ए क्रॉस के कैप भी सिमिलरली के क्रॉस के जीरो होगा तो जेड वाला पार्ट जीरो हो गया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो तीन पार्ट है तीनों को ऐड कर लें तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा नोट कर लीजिए। ठीक है ऐड कर लें इसे तो ये आ गया टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए सच दैट ए क्रॉस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप। ठीक है लिखिए सभी लोग फोर्थ क्वेश्चन फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए such that a cross i cap plus 2j cap plus k cap is equal to i cap minus k cap। एक यूनिट वेक्टर ए कैलकुलेट करना है यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है ए का एक वेक्टर के साथ जो क्या है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप है वो बराबर आई कैप माइनस के कैप दिया हुआ है। नोट करेंगे और बनाएंगे इसे। ठीक है आगे क्वेश्चन सभी के पास बनाइए इसे।
क्वेश्चन नंबर फोर, एक यूनिट वेक्टर ए, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ये दिया हुआ है बराबर आई कैप माइनस के कैप, एक मेथड तो ये है कि आप वेक्टर ए को एम वन मीन्स मेथड नंबर वन ये है कि ए को क्या ले लें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और उससे आगे सॉल्व करें, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। क्या करें, एक वेक्टर ए ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंजूम करके और उससे सॉल्व करें, या फिर दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, इससे भी कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, लेकिन सेकेंड मेथड देखिए किस तरह से इसको सोचें। मेथड टू के बारे में, अगर मैं यहाँ पास यहाँ एल एच एस में क्या लिखा, ए क्रॉस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ए क्रॉस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप ये लिखा हुआ है एल एच एस में, ये बराबर जो आर एच एस में है उसको हम आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप ये सोच सकते हैं क्या, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप में किस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें कि RHS में जो i कैप माइनस k कैप है वही आ जाए। LHS तो वही लिखा है मैंने मेथड टू में, a क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, लेकिन RHS को कुछ ऐसा सोचिए कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर ये i कैप माइनस k कैप आया। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, RHS में j कैप नहीं है, RHS में j कैप नहीं है, i कैप माइनस k कैप है, तो अगर मैं j कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो क्या आएगा, देखिए j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस j नल वेक्टर और j क्रॉस k कैप i कैप, तो अगर j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो यही आ जाएगा क्या, नहीं? तो इस पूरे को ले एलएचएस में तो ये बराबर माइनस बराबर नल वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स बराबर नल वेक्टर। अब इसमें से ये वेक्टर कॉमन आ गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, तो इसे आप ले जाते हो ए माइनस जे टाइम्स ए माइनस जे क्रॉस ए माइनस जे क्रॉस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्या किया, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप को कॉमन ले लीजिए। अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, नल वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स में से कोई या तो जीरो हो, तो i कैप प्लस टू जे कैप प्लस k कैप तो जीरो है नहीं, तो या तो a माइनस जे जीरो हो या फिर a इसके पैरेलल हो, a माइनस जे कैप, यही दो केस बनते हैं। तो यहां से क्या आएगा, a माइनस जे क्रॉस i कैप प्लस टू जे कैप प्लस k कैप नल वेक्टर है, देयरफॉर आइदर a वेक्टर विल बी j कैप, या तो ए जे कैप होगा, क्यों, ए माइनस जे कैप नल वेक्टर हो गया, तो उससे आ जाएगा ए वेक्टर बराबर जे कैप, या फिर ए माइनस जे कैप इसके पैरेलल हो, मींस ए माइनस जे कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, या तो ए वेक्टर जे कैप के इक्वल हो या फिर ए माइनस जे कैप बराबर लैम्डा टाइम्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो
एक आंसर तो हो गया जे कैप, दूसरा आंसर यहां से देखिए ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स। अब ये लैम्डा कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो फर्स्ट वाला आंसर तो ठीक है। अब दूसरे वाले में इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां सॉल्व करिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए 1 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू, अब इसको मैग्नीट्यूड 1 है उससे कैलकुलेट करें तो लैम्डा 0 आ रहा है, या फिर क्या आएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस -2/3, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 1 से इसको कैलकुलेट कर लें, लैम्डा की वैल्यू क्योंकि आई कैप का कोएफिशिएंट लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, तो लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया लैम्डा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड था 1 तो 1, 1 एक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 0 आएगा, या -4/6 मींस -2/3, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वही आ जाएगा जे कैप, तो -2/3 रखिए तो दूसरा वेक्टर मिलेगा, तो दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू -2/3 रखिए, बन गया -2/3 आई कैप माइनस प्लस 1/3 जे कैप -2/3 के कैप, ऐसा आ जाएगा, नोट कर लीजिए, देखिए किसी स्टेप में कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, लैम्डा की वैल्यू -2/3 रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपके पास -2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप -2/3 के कैप, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है।